हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज हम फिर से एक रिंग सेरेमनी के फंक्शन में आए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड आ रहे हैं सामने से, और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने एक दूसरे ग्रुप से। पहले आप एक हमारे फ्रेंड्स ग्रुप से मिल चुके हैं, अब आज आप बारी है नेक्स्ट ग्रुप की, तो अब मिलिए इन सब से। ये है हमारे दूल्हे राजा। बोलो आगे। आप जो व्लॉग देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग आई हैव एवर सीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, कांग्रेचुलेशंस। रिकमेंडेशन की वीडियो में लाइन लग जाएगी नीचे। अरे भैया मत करो यार, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। सो गाइज, यहाँ पर चल रहा है तिलक फंक्शन दूल्हे का, और यहाँ पर जो आप ये डोल देख रहे हैं जिसको मैंने जूम इन करके दिखाया, गाइज ये है लहंगा जो दुल्हन को गिफ्ट किया जाएगा यहाँ पर रिंग सेरेमनी के टाइम पर। तो मुझे तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ऐसे वाली पैकिंग, और मैंने इसीलिए ये शूट कर लिया ताकि और भी जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनके घर में शादियाँ आने वाली हैं वो भी इस तरह की पैकिंग करवा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ताकि मैंने सोचा किसी और को भी हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने इसकी वीडियो भी बना ली थी। आपको भी इसकी जूम इन वाली वीडियो भी अलग से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे तिलक फंक्शन होने के बाद दूल्हे को जो सामान होता है वो अपनी बड़ों को देना होता है, और यहाँ पे वो सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। आप भी देखिए गाइस कैसे हुआ था, कैसे क्या क्या हुआ था। चलो शुरू हो जाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जूम इन वीडियो भी इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो ये है गाइस जूम इन वीडियो जो पैकेजिंग हुई हुई थी लहंगे की और गिफ्ट्स की, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं तो ज़रूर कहूंगी कि जिसके घर में भी शादी हो प्लीज़ ये वाली पैकिंग जरूर करवाना, आजकल ट्रेंड में है। वरमाला किसके नाम की पहनी हुई है ये बता दो आप। इसके नाम की पहनी हुई? हाँ, ये आपका जो कैप्शन बनेगा ना इस वीडियो का उसके नाम। ये पहले माला रिश्तेदारों की ले गया ब्लॉग ले गया। सो गाइज, अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, दुल्हन आ चुकी है, अभी एंट्री ले रही है। जैसा फंक्शन दूल्हे का हुआ था तिलक सेरेमनी का, वैसा ही शगन सेरेमनी का कुछ गर्ल का भी होता है। बहुत प्यारी सी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, वो ड्रेसअप होके बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो अब उनका जो शगन वाला फंक्शन होगा, शगन वाला सेरेमनी होगा, वो अब यहाँ पर होगा। आप आगे कंटिन्यू करते रहना वीडियो में, देखते रहना कि कैसे कैसे शगन हुआ, क्या क्या मिला उन्हें गिफ्ट्स में, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले। तो आप भी देखते रहना कि क्या क्या मिला उनको गिफ्ट्स में।
सो गाइस फाइनली अब बारी आ चुकी है एंगेजमेंट की। दूल्हा दुल्हन अब यहाँ पे स्टेज पे बैठने वाले हैं और एंगेजमेंट होने वाली है, रिंग्स एक्सचेंज होने वाली है, फाइनली योर्स एंड माइन होने वाला है। तो गाइस आप इंजॉय करिए वीडियो को और देखते रहिए आगे आगे कि क्या क्या हुआ वीडियो में, क्या क्या हुआ एंगेजमेंट पे। तो आप रिंग सेरेमनी होने के बाद हम सब ने भी कुछ ले लो तुम खाने में लो सबको खाना एक साथ लगा रहे हो। अब चलो एक ही लाए हो क्या? गुलाब जामुन 3-2 या 6-2 संतरा तेल भी खराब था अभी क्या हो रहा है? ओहो ले लो, ओहो लव बर्ड्स, ओहो लव बर्ड्स। I'm gonna make you mine.
के बाद फोटोज का सिलसिला फिर दोबारा शुरू हुआ। हम सब ने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी, ग्रुप फोटोज भी क्लिक की, ब्राइड एंड ग्रूम के साथ भी फोटोज क्लिक करी। और उसके बाद टाइम हो गया था हम सबके जाने का, तो उसके बाद गाइज हम अपने घर चले गए, टाटा बाय बाय कर दिया क्योंकि दो दिन बाद ही शादी थी तो हमें उसके लिए भी आना था। एंड गाइज जैसे ही नीचे पहुंचे तो देखा बारिश हो रही है, तो बहुत ही अच्छा सा मौसम हो गया था, बहुत प्यारा सा। तो हम बारिश में एक ड्राइव करते हुए अपने घर गए, बहुत इंटरेस्टिंग सा हो गया था, प्यारा सा मौसम हो गया था। और ठंड तो थी ही, थोड़ी ठंड उस बारिश की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसके बाद हम घर चले गए थे रात के, आई थिंक 1:30 बज गए थे हमें घर पहुँचते, और फिर हम सो गए थे। बाय बाय गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।